फिलहाल आज कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी है और लगातार जिस प्रकार से बीजेपी के द्वारा कांग्रेस पर हमला किया जा रहा है उसी के विरोध में और बढ़ते महंगाई, बेरोजगारी, कई मुद्दे को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ कांग्रेस के एक नेता हैं उपेंद्र सिंह, जो कि बताएंगे कि आखिर बीजेपी लगातार इस तरीके से जो हमला कर रही है कांग्रेस पर, आखिर क्या साबित करना चाहते हैं बीजेपी। सबसे पहले आज जो हम लोग का विरोध प्रदर्शन और जो धारणा है और बीजेपी के जो वादा खिलाफी जो सरकार की है, नौजवानों के साथ वादा खिलाफी की है, किसानों के साथ वादा खिलाफी की है और तमाम लोगों के साथ, व्यवसायी वर्ग के साथ भी वादा खिलाफी करने का काम किया है, उसके खिलाफ में आज हम लोग धरना का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में 19 तारीख से लेकर 24 तारीख तक कार्यक्रम है और फिर 30 तारीख को हम लोग का दिल्ली में कार्यक्रम है। सर ये बताया जाए, जब बीजेपी जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पर हमला कर रही है, एसपीजी सुरक्षा जो था गांधी परिवार से हटा दिया गया है, राफेल का मामला आता है, तो कहीं ना कहीं ये क्या साबित करना चाहते हैं बीजेपी के लोग या बीजेपी के नेता, क्या लगता है कि आने वाले समय में भारत में चुनाव खत्म हो जाएंगे कराना? नहीं, सबसे बड़ा चीज़ है कि जो मोदी जी और उनके जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, ये तनाशा है और इनके ऊपर, इनके सुरक्षा व्यवस्था के लिए हजारों लाखों लाख फोर्स को लगा दिया जाता है, लेकिन जो जिस परिवार ने इस देश के बलिदानी देने का काम किया है उसमें दो दो आदमी का आतंकवादी हमला में हत्या हुई है और उस परिवार से सुरक्षा गार्ड हटा देने का नतीजा क्या है, सीधा सीधा दिखाई पड़ रहा है। या चाहते हैं कि विपक्ष पूरा हिंदुस्तान से समाप्त हो जाए और इस देश में सिर्फ राज अगर किसी का चले तो सिर्फ मोदी जी के राज चले, अमित शाह जी के राज चले, दो ही आदमी के राज चले। बताया जाए आखिर कांग्रेस धीरे धीरे सब जगह से अपना सत्ता खोते जा रही है, आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस कमजोर पड़ते जा रही है और विपक्ष लगातार हावी होते जा रहा है? क्योंकि जिस प्रकार एक जनादेश था कांग्रेस में लोगों का, वो नहीं मिल पा रहा है। आज आप खुद यहीं भोजपुर में देख लीजिए, धीरे धीरे कार्यकर्ता बिखरते जा रहे हैं, लेकिन आप लोग लगातार एकजुट करने का प्रयास करते हैं, देश में भी और कई राज्यों में भी पार्टी उस तरीके से नहीं दिखता है। क्योंकि जहाँ बात आती है कि विधायक हो या नेता, बड़े बड़े लोग होते हैं, जो फिर प्रोक्ट की बात भी आती है, तो ऐसे में क्या लगता है कांग्रेस आने वाले समय में किस तरीके से अपने आप को साबित करेगी और लोगों को जनादेश और जनता के बीच में क्या? सबसे बड़ा चीज़ है कि कांग्रेस लगातार आपके लिए हमें लगातार कांग्रेस कमजोर हो रही है। अब महाराष्ट्र में देखिए कांग्रेस ने विस्तार करने का काम किया, पंजाब में हमारी सरकार बनी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपका राजस्थान में सरकार हमारी बनी है और, सर, और जो कई राज्यों में जो जहाँ कांग्रेस गढ़ कहा जाता था वो भी तो सर धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। ठीक है, आप देखिए दिन पर दिन मोदी जी का जो सरकार का इसमें गठन हुआ है, इसके बाद ये धीरे धीरे छोटे प्रदेश में सीमित कर जा रहे हैं। अब देख लीजिएगा आने वाला चुनाव झारखंड का चुनाव, वहाँ पर हमारी महागठबंधन की सरकार बनेगी, हमारी कांग्रेस की सरकार का जो वोट प्रतिशत बढ़ते जा रही है और निश्चित ही आपको बता देना है कि हर प्रदेश में जहाँ भी अगर अब इलेक्शन होने जा रहा है, हर राज्यों में सीधे बीजेपी के लोग सिमटते जा रहे हैं और सिमटेंगे, निश्चित सिमटेंगे। इसलिए सिमटेंगे कि आप एक कहावत सुने होंगे कि एक सियार था जो अपने आप रंग तारक हम शेर हैं, लेकिन जिस दिन बारिश होगी, जिस दिन जिस तरह से इन लोगों ने देश के गुमराह करने का काम किया है और जो गुमराह करने के काम किया, नौजवानों को गुमराह करने के लिए, किसानों को गुमराह करने का काम किया है और नौजवान किसान जब देखेंगे कि हमारे साथ छल हुआ है, तो निश्चित ही इनको आने वाला चुनाव बीजेपी के लिए भारी पड़ेगी और कांग्रेस निश्चित ही देश में मजबूत होगी। अब बात करते हैं सर बेरोजगारी का जो बात किया गया था, जब चुनाव जो 2014 में हुआ था देश में, एक बात कहा गया था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन स्थिति ये है कि बेरोजगारी की संख्या बढ़ती जा रही है और दोबारा केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके हैं, लेकिन अभी भी मुद्दा है यही कि देश में युवा बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं, गलत कामों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि भारत को हमेशा एक बात कहा जाता है युवाओं का देश, जब युवाओं का देश है साहब तो ये बताइए कि युवाओं को रोजगार दीजिएगा तब ना देश के लिए कार्य करेंगे, जब युवाओं को रोजगार ही नहीं देंगे तो क्या करेंगे? आप लगातार पूरे विश्व में कहते हैं कि युवाओं का देश, तो ऐसे में युवा जब गलत दिशा में जाएंगे तो यही युवा आपके देश की बर्बादी का कारण भी बन सकते हैं। सबसे बड़ा चीज़ है आप मीडियाकर्मी हैं और आप देख लीजिए कि आज जो हमारी आर्थिक स्थिति हमारे देश की क्या है और आर्थिक स्थिति के चलते बहुत से कंपनी जो आज हमारे जो नौजवान वहाँ काम करते थे उनको भी छाटनी करने का काम कर रही है, रेलवे को निजीकरण करने का काम कर रहे हैं, आपका भारत पेट्रोलियम का निजीकरण करने का काम कर रहे हैं, इंडियन एयरलाइंस की निजीकरण करने का काम कर रहे हैं, निजी हाथों में बेचने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे नौजवान साथियों के साथ छल करने का काम मोदी सरकार ने किया। आखिर निजी क्यों करना चाहते हैं, यह क्या लगता है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह
बोले तो हैं कि शोषण करने का काम करेंगे। कल हमारा जो नौजवान को सरकारी का जो उनका जो महीना मिलता है, और निजी कंपनी क्या करता है, हमारे नौजवानों को शोषण करता है, 12 घंटा 14 घंटा 24 घंटा मजबूरी में काम करता है, इसलिए उसके साथ एग्रीमेंट रहता है। कल वो आप चाहेगा तो लात मार के उसको निकाल देगा, देने का काम करेगा, और आप कल सरकारी कर्मी होगा हमारा, कोई निकाल नहीं सकता है। तो सिर्फ छलने का काम बीजेपी के द्वारा हो रहा है। तो सर ये ऐसे में देश के लोगों को कैसे आप आगाह करेंगे कि जो 200 साल अंग्रेजों ने यहाँ पर गुलामी करा, हमारे पूरे देश पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत व्यवसाय करने आई थी, वहाँ कारोबार करने आई थी, बाद में यहाँ के लोगों के तरीके को देखकर यहाँ पर ही अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। जिस प्रकार से निजीकरण की बात किया जा रहा, तो क्या लगता है कि ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह भारत के प्रधानमंत्री अपना कुछ यानी कांग्रेस के विरोध करने के चलते ही मोदी जी जो शिखर सम्मेलन में गए थे और शिखर सम्मेलन में RCEP के ये ऊपर साइन करने के लिए गए थे, उससे क्या होता है कि हमारे यहाँ का जो भी किसान का जो व्यवसायी थे, छोटे छोटे व्यवसाय थे, सब समाप्त हो जाते। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया और बीजेपी को उस मुद्दा से हटना था, RCEP पर साइन उन्होंने नहीं किया। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इनके हर कामों को, जहाँ नौजवान साथ जो किसान साथ जो धरातल से जुड़े हुए मुद्दा है, कांग्रेस लेकर चल रही है, और इनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, ईरान, इमरान और पाकिस्तान, बीजेपी के पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। और इससे मुद्दा हट के पता ही ना, कोई मुद्दा पर बात करने के तैयार हो, सिर्फ सेना को, पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को, बस वो लड़ाई के मुद्दा पर अब सारे नौजवानों को गुमराह करके रखे हुए हैं। और राष्ट्रभक्त अपने आप को कहते हैं, उनसे ज़्यादा राष्ट्रभक्त आप हैं, हम हैं, सब हैं, इस देश के हैं, हिंदुस्तानी हम लोग हैं, और हिंदुस्तान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। आप कितना दिन तक पाकिस्तान के नाम लेकर चुनाव जीतिएगा? निश्चित इस मुद्दा जो होगा, और जो हमारे जो माननीय सोनिया गांधी जी का फरमान हुआ है, और हम लोग हर स्तर पर इनका विरोध करने काम करेंगे, और जमीन की जो सच्चाई होगी, जमीन की जो धरातल का किसानों का, नौजवानों का जो कष्टाई होगा, उसके लेकर हम रोड पर उतरने का काम करेंगे, और निश्चित ही इनको आने वाला समय बहुत भारी पड़ने जा रहा है। देश में सरकार किसी की भी हो, देश में विकास की बात करनी चाहिए। अभी हाल फिलहाल में एक अयोध्या मामला था, फिर पाकिस्तान का मुद्दा आता है, फिर आपको जो सरदार कॉरिडोर का मामला आता है, कई चीज़ों का मामला आता है, तो देश विकास की ओर कब जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल आता है। क्योंकि सत्ता में किसी की भी सरकार हो, युवाओं को रोज़गार चाहिए, बेरोजगारों को रोज़गार चाहिए, हर व्यक्ति को दो वक्त की मुफ्त खाना चाहिए। जब तक लोगों के पास ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो देश विकास की ओर नहीं जा पाएगा। जो आप देश राम राज की कल्पना करते हैं, राम राज ऐसे नहीं आएगा। सरकार हो या कोई भी हो, हर व्यक्ति को इस बात को सोचना चाहिए कि वो एक भारतीय है, और अपने देश के प्रति कर्तव्य और निष्ठा के साथ कार्य करना चाहिए, तब ही देश ये आगे बढ़ेगा। नहीं तो हम जितना आगे जा रहे हैं, उससे कई गुना पीछे भी जा सकते हैं। सहयोगी चंदन के साथ धर्मेंद्र कुमार, 18 सिटी न्यूज़, आ रहा।